दोस्तों WWE में मेल और फीमेल रेसलरों का मैच अलग अलग सेपरेट होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि फीमेल रेसलर मेल रेसलरों पर अटैक कर देती है, क्योंकि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि चलिए मजाक से हटके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में 5 ऐसे वुमेन रेसलरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मेल रेसलरों पर अटैक किया था। हमारे इस चीज की नंबर 5 पर आती है लिव मॉर्गन। 20 जनवरी 2020 के रॉ के एपिसोड में मिक्स टैग टीम मैच हुआ था। एक टीम में लिव मॉर्गन और रुसेफ से और दूसरे टीम में लाना और बॉबी लेस्ली थे। दोस्तों ये मैच स्टार्ट होता है तो लाना स्टार्टिंग से ही रुसेफ पर गुस्से में होती है, इसीलिए रुसेफ पर अटैक कर देती है, लेकिन इसी चीज़ का फायदा बॉबी लेस्ली उठाते हैं। बॉबी लेस्ली रुसेफ को अपना फ्रीसर देकर उनको पिन कर लेते हैं और पिन को ब्रेक करती है लिव मॉर्गन और उल्टा बॉबी लेस्ली पर ही अटैक करती है, उनको ड्रॉप किक देकर नीचे गिरा देती है। हमारी लिस्ट नंबर 4 पाती है जेलिना वेगा। दोस्तों 1 जनवरी 2019 के स्मैकडाउन के एपिसोड में भी मिक्स टैग टीम मैच हुआ था। इस मैच का रूल था कि कोई भी मेल रेसलर फीमेल रेसलर पर अटैक नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी न जाने जेलिना वेगा को क्या होता है कि उस मैच में जॉन सिना पर अटैक करते हैं, बल्कि अटैक ही नहीं करती है बल्कि अपने सबमिशन हॉल में रस्सियों के बीच फंसा लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी जेलिना वेगा का कुछ फायदा होता नहीं है। उस मैच में जेलिना वेगा को बेकी लिंच अपने सबमिशन हॉल में फंसाकर टैप आउट करवा देती है। दोस्तों हमारे इस लिस्ट के नंबर 3 पाती है जजमेंट डे के मेंबर रिया रिपली। दोस्तों रिसेंट टाइम में हमने देखा था कि मिस्टीरियोज और जजमेंट डे के बीच फ्यूड हो रही थी और उस फ्यूड के दौरान कई बार रिया रिपली डोमिनिक मिस्टीरियो पर अटैक करती है और एक बार तो उनको बैक साइड से पीट कर घसीट कर ले जाती है और ये चीज़ देखकर काफ़ी WWE ऑडियंस शॉक हो गई थी, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो को पीट कर जैसे तैसे करके अपने जजमेंट डे में शामिल करवा ही लेती है। क्राउन जूल में अपने बाप को डोमिनिक मिस्टीरियो धोखा देकर जजमेंट डे में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों हमारी चीज की नंबर 2 पाती है बॉस सासा बैंक्स। दोस्तों 2021 के टाइम में रेजी काफ़ी उछल कूद मचा रहे थे और यही वजह था कि वो सासा बैंक्स के साथ भिड़ जाते हैं। 22 जनवरी 2021 के स्मैकडाउन के एपिसोड में रेजी और सासा बैंक्स के बीच सिंगल मैच होता है। उस मैच के दौरान भी रेजी काफ़ी उछल कूद करते हैं और सासा बैंक्स को परेशान करते हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा होता नहीं है। सासा बैंक्स अपने बैंक स्टेटमेंट में फंसा कर उनको टैप आउट करवा देती है और उसके बाद रिंग से उठाकर उनको फेंक कर बेइज्जती भी कर देती है। दोस्तों हमारे इस चीज के नंबर 1 पाती है बैडेस्ट वुमेन इन द प्लानेट रोंडा राउजी। दोस्तों 2018 में रोंडा राउजी WWE में रिटर्न करती है और उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, इसीलिए वो रिंग में आती है। रिंग में पहले से ही स्टेफनी मैकमैन मौजूद होती है और इसीलिए रोंडा राउजी और स्टेफनी मैकमैन के बीच कहा सुना हो जाता है, दोनों एक दूसरे का है। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने ट्रिपल एच पर अटैक किया हो। रोंडा राउजी ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा बार किसी सुपरस्टार पर अटैक किया है तो वह ट्रिपल एच वो कई बार अटैक कर चुकी है। अगर आप लोग देखना चाहोगे कि रोंडा राउजी ने किन किन सुपरस्टार पर अटैक किया है तो आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख सकते हो कि रोंडा राउजी ने किन किन सुपरस्टार पर अटैक किया था। दोस्तों यही वो वुमेन रेसलर है जिन्होंने मेन रेसलर पर अटैक किया था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।